मुरादाबाद में हाई टेंशन लाइन के करंट की चपेट में आने से एक विद्युत लाइनमैन बुरी तरह झुलस गया। किसी तरह विद्युत लाइनमैन को उसके साथियों ने बचाया और आनन फानन में झुलसी हालत में उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने लाइनमैन का प्राथमिक उपचार प्रदान कर उसकी हालत गंभीर देखकर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। विद्युत लाइनमैन के करंट से झुलसने की जानकारी जब उसके परिजनों को लगी तो परिवार में कोहराम मच गया। मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के दौलतबाग का रहने वाला प्रेमपाल दौलतबाग बिजली घर में लाइनमैन के पद पर काम करता है। बताया जा रहा है कि लाइनमैन प्रेमपाल डिप्टीगंज क्षेत्र मालती नगर में ट्रांसफार्मर पर काम करने गया हुआ था। इस दौरान कार्य करते समय 11,000 की विद्युत लाइन के करंट की चपेट में आकर वे बुरी तरह झुलस गया। किसी तरह प्रेमपाल को उसके साथियों ने करंट से बचाया और झुलसी हालत में आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने विद्युत लाइनमैन प्रेमपाल की हालत गंभीर देख उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जिला अस्पताल की इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गंभीर हालत में प्रेमपाल नामक व्यक्ति को उपचार के लिए लाया गया था, जो कि 70-80% झुलसी हालत में था। उसका प्राथमिक उपचार प्रदान कर बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। दौलतबाग के प्रेमपाल लगभग उम्र 35 साल, जो सब स्टेशन दौलतबाग में लाइनमैन के रूप में कार्यरत है। अभी एक घंटे पहले उनको लेके आए इलेक्ट्रिक शॉप से, काफ़ी बुरी तरह झुलसे हुए हैं, जिनका कि बायां हाथ लगभग पूरी तरीके से डैमेज है और सीधा वाला हाथ भी काफ़ी बुरी तरीके से झुलसा हो गया। पेट में भी उनके काफ़ी घाव बना हुआ, बड़ा घाव है, लगभग 70-80% के लगभग जले हुए हैं, जिनको कि हमने ना उपचार करने के बाद उनको हायर सेंटर के लिए ट्रांसफर कर। डॉक्टर साहब कहाँ कार्य कर रहे थे, कौन से सब स्टेशन? दौलतबाग में, थाना नागफनी में, उसमें कार्य थे। ये कार्य के दौरान हुआ ये बिजली हादसा? कार्य करते थे, लाइन 11,000 की लाइन से बताते थे।